हेलो फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स, जो मैंने ये आपको डेक अभी दिखा रहा हूँ, ये डेक बहुत अच्छी डेक है। ये आपको 300 लेवल तक तो आपकी ऐसे वेव पार हो जाएगी। ये नो टचिंग डेक है। आप देख सकते हैं कि थॉर और ज्यूस और ये लाइटनिंग गिगार, देखिए सबको अपनी चेन लाइटनिंग से मार रहे हैं। लाइटनिंग टावर फ्रेंड्स, ये डेक बहुत अच्छी है। चलिए डैमेज चेक करते हैं। देखिए, हमें सबसे ज़्यादा डैमेज है थॉर का, उसके बाद है लाइटनिंग टावर का, और हीरोज में सबसे ज़्यादा डैमेज है लाइटनिंग विजार्ड का, उसके बाद ज्यूस, उसके बाद रॉज, उसके बाद एशियन। आपके पास आर्चर अच्छे हो चाहे ना हो, आप अगर ये डेक लगा लेंगे तो ज्यूस, लाइटनिंग विजार्ड और थॉर वाली डेक, तो आपकी वेव पार हो जाएगी और आपके आर्चर का अपग्रेड हो जाना। और बाकी हीरोज मेरे जल्दी मतलब, और ये एल्केमिस्ट और फिर विजार्ड और ये नेक्रोमेंसर, तो मैंने सपोर्ट हीरोज के रूप में रखा है। आप देख सकते हैं, मतलब गोल्ड कमाने के लिए मैंने ये सब काम करा। मेरे पास कितना सारा गोल्ड है, और फ्रेंड्स और बाकी सारे जितने हीरो हैं उनको मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। रॉज में टेक ऑफ हो गया, आपको स्टोन रखना है। अगर इसकी वजह से मैं अपने लाइटनिंग टावर को ट्रिपल कर पा रहा हूँ, इसलिए स्टोन जरूरी, स्टोन को आपको नहीं रिमूव करना है। अब आप देख सकते हैं, इतने मॉन्स्टर आए हैं, सब कैसे मार रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको टरेंट जरूर लगा के रखना है, मतलब जो आपका लाइटनिंग विजार्ड है वो ग्राउंड मॉब्स को मारेगा, और टरेंट आपके एयर मॉब्स को मारने में सबसे बेस्ट टावर होता है। टरेंट को आपको रिमूव नहीं करना है। और ये ट्रॉफी और क्रिस्टल ट्री मैंने प्रॉफिट पाने के लिए इसको लगा रखा है। और अगर हम मिरर नहीं लगाएंगे तो हम ये स्टोन की एबिलिटी यूज नहीं कर पाएंगे।
आपको डेक है ये मतलब ड्रैगन को मारने में भी आपको ग्रीन ड्रैगन मारने में भी आपको मदद कर सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए आप कैसे मतलब ये डक कितनी अच्छी है ग्रीन ड्रैगन को मारने के लिए। आप और हीरोज रख सकते हैं अगर आपको जल्दी मारना है मतलब। बस आप इन तीन हीरोज और ये थॉर लीडर का यूज करके आप अपना गोल्ड बहुत बचा सकते हैं। पर ये हमारा ट्रेजर है मतलब गोल्ड कमाने के लिए हमारा ट्रेजर है।